को आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर एक बहुत बड़ा तोहफा देने का काम किया है। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए वहां के रिलीजियस टूरिज्म का बहुत बड़ा महत्व है। भारत में शायद ही कोई प्रांत ऐसा होगा, शायद ही कोई गांव ऐसा होगा जो माता वैष्णो देवी के साथ जुड़ा नहीं होगा। देश के हर यात्री की, हर नागरिक की एक मन की इच्छा रहती है कि पहाड़ों पर विराजमान माँ वैष्णो देवी का दर्शन करें और अपने आप को धन्यता की अनुभूति कराएं। और ये यात्रा एक जमाने में बड़ी कठिन हुआ करती थी। 2014 से जब से नरेंद्र भाई की सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सभी यात्रा स्थानों को देश के नागरिक सरलता के साथ, सुगमता के साथ वहां तक पहुंच सके, वहां की यात्रा उनकी सुगम और सुरक्षित हो, इसके लिए ढेर सारे कदम उठाए। और आज ये हाई स्पीड रेल, वंदे भारत रेलगाड़ी माता वैष्णो देवी के दरबार में जाएगी। इससे एक नई शुरुआत वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों की सुविधा की होने जा रही। 17 फरवरी को वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से वाराणसी शुरू हुई और प्रधानमंत्री जी ने कल्पना रखी रेल विभाग के सामने कि धीरे धीरे हाई स्पीड रेलवे का पूरा जाला बिछाया जाए और देश भर के रेल यात्रियों को एक सुरक्षित, बहुत अपने समय तक पहुंचाने के लिए स्पीड, स्केल और सर्विस, ये तीनों का ध्यान रखते हुए एक सुविधापूर्ण रेलवे बनाने का जो लक्ष्य दिया। मुझे आज आनंद है कि पीयूष भाई के नेतृत्व में रेल विभाग इसको आगे बढ़ाने के लिए द्रुत गति से काम कर रहा है और आज एक नई कड़ी को वहां जोड़ने का काम किया है। मित्रों, कल महात्मा गांधी की जयंती थी और गांधी 150 की शुरुआत कल प्रधानमंत्री जी ने की है। गांधी वो महामानव थे जिन्होंने न केवल भारत, पूरी दुनिया को जीवन को देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर कर दिया। कोई लंबे चौड़े भाषण, कोई लंबी चौड़ी फिलसफी, कोई लंबी चौड़ी विचारधारा दिए बगैर अपने काम से ही किस प्रकार से सभी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं, उस दिशा में गांधी जी ने पूरी दुनिया को प्रेरित करने का काम किया। और गांधी जी का एक सबसे बड़ा संदेश था स्वदेशी, बड़ा आग्रह था उनका, और आजादी के आंदोलन का एक बहुत बड़ा अंग स्वदेशी बना था। और मुझे आनंद है एक पूर्ण स्वदेशी गाड़ी, आज रेलगाड़ी आज दिल्ली से कटरा तक जा रही है। और रेल के अंदर मेक इन इंडिया की कल्पना, रेल के अंदर मेड इन इंडिया की कल्पना, मोदी जी के प्रेरणा से रेल विभाग ने चरितार्थ करने का काम किया है। और जैसे आगे पीयूष भाई और हर्षवर्धन जी ने कहा, दुनिया की किसी भी गाड़ी की सुविधा और किसी भी गाड़ी की टेक्नोलॉजी के साथ 19 नहीं है हमारी ये वंदे भारत की ट्रेन। और मुझे गर्व है कि पूर्ण भारतीय रूप से बनी हुई, संपूर्ण भारतीयों ने बनाई हुई और पूर्णतया भारत में बनी हुई ये गाड़ी आज यहां से शुरू हुई। मित्रों, भारतीय रेलवे का बहुत बड़ा इतिहास रहा है। इतने बड़े देश को जोड़ने के लिए रेलवे के बगैर ये देश के यातायात की कल्पना ही नहीं हो सकती। भारत के यातायात और भारत के सिविल ट्रांसपोर्टेशन में से अगर रेलवे को निकाल देते हैं तो बड़ा, बहुत बड़ा शून्य बनकर रह जाएगा। और आज से नहीं है, एक सदी से ज्यादा समय थे
रेलवे भारतीयों के यातायात का एक दोरी मार्ग बना हुआ है। और मैंने कहा हम बापू की 150वीं जयंती मना रहे हैं, बड़े कृतज्ञ भाव के साथ हम बापू को स्मरणांजलि भी दे रहे हैं, उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का प्रयास भी कर रहे हैं। और गांधी के सिद्धांत जो एटर्नल है, गांधी के सिद्धांत जो शाश्वत है, उसको ही नई पीढ़ी को ये संदेश पहुंचाने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। मगर गांधी के जीवन में से भी अगर रेल को निकाल दिया जाए तो आजादी का आंदोलन कहीं खड़ा नहीं होगा। भले देश में न हो, मोहनदास से महात्मा बनने का एक जो महत्वपूर्ण घटना हुई वो भी रेलवे के एक डब्बे में ही हुई थी। अपमानित कर बापू को रेलवे स्टेशन पर फेंक दिया गया और बापू ने वहां संकल्प किया था कि अन्याय को हम नहीं सहेंगे, ये अंग्रेजी शासन को उखाड़ कर फेंक देंगे और जिसका कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता था वो अंग्रेजी शासन को देश में से जाना पड़ा। भारत में आने के बाद महात्मा गोखले के मार्गदर्शन में जब बापू के सामने सवाल आया कि इस देश को एक बार जानना चाहिए, जब तक इस देश की आत्मा को नहीं पहचानते हैं, इस देश को आजादी के आंदोलन के साथ लोगों को जोड़ नहीं सकते, इतने बड़े विशाल देश को कम समय के अंदर जानना और इतने बड़े विशाल देश के लोगों के साथ आत्मीयता का व्यवहार करना, आत्मीयता का एक ब्रिज बनाना और इतने बड़े विशाल देश की समस्याओं को समझना कम समय में असंभव था, उसी वक्त महात्मा ने रेलवे का सहारा दिया था। उन्होंने 6 साल तक तीसरी कक्षा की डिब्बे में बैठकर बैरिस्टर बना हुआ वो गांधी पूरे भारत का भ्रमण किया और गरीब से गरीब व्यक्ति को अपने साथ जोड़ने का काम किया। कई रेलवे स्टेशनों के इतिहास है जहां बापू का स्वागत हुआ, बापू के भाषण हुए, बापू ने लोगों को प्रेरणा दी। मैं तो आज रेलवे के अधिकारियों को और पीयूष भाई को कहना चाहता हूं कि गांधी 150 में गांधी और रेलवे का जो संबंध है उसका रेखांकन करने का भी काम रेलवे ने करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी आजादी के इतिहास की एक अटूट और अमर कड़ी है। रेलवे का उपयोग महात्मा ने, रेलवे का उपयोग पूज्य बापू ने अपने आप को लोगों के साथ जोड़ा। महात्मा ने कपड़े छोड़े, वो घटना भी रेलवे के अंदर से एक स्नान करती हुई गरीब स्त्री को देखकर वो प्रेरणा उनको मिली कि मेरे देश की एक गरीब माँ के पास एक दूसरी साड़ी भी नहीं है कि जो अपने स्नान कर सके, मैं तब तक कपड़े नहीं पहनूंगा जब देश स्वावलंबी नहीं होगा, समृद्ध नहीं होगा। और पूरा जीवन एक आधे धोती के अंदर बापू ने देश को प्रेरणा देने का काम किया, वो भी रेलवे के अंदर ही हुआ। ढेर सारे आंदोलन, चाहे चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे साबरमती का आश्रम रेलवे स्टेशन के बाद पास में बनाना हो, हर चीज में बापू ने रेलवे को आजादी के आंदोलन के साथ जोड़ा और रेलवे का उपयोग करते हुए आजादी के आंदोलन को गति देने का काम किया। और आज प्रधानमंत्री जी बापू से ही प्रेरणा लेकर, बापू ने रेलवे का उपयोग कर रेलवे का सदुपयोग कर आजादी दिलाने का काम किया। प्रधानमंत्री जी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की भाग्य रेखा रेलवे को बनाना चाहते हैं, रेलवे के माध्यम से देश का विकास करना। और विगत 5 साल के आंकड़े आप देखिए, 2.5 गुना स्पीड से पटरियां लगी हैं, इलेक्ट्रिक लाइनों के रूपांतरण 3 गुना स्पीड से हुए हैं, गेज परिवर्तन 2.2 गुना स्पीड से हुआ है। मैं अगले 5 साल की तुलना में कह रहा हूं, जो यूपीए की सरकार थी उसके 5 साल की तुलना में एनडीए की पहले, नरेंद्र मोदी जी के पहले कालखंड के अंदर रेलवे ने लगभग 2 से 2.5 गुना स्पीड से अपनी गति बढ़ाई।
और सबसे बड़ी बात रेलवे के निर्माण का, रेलवे स्टेशनों का, इंजनों के निर्माण का, डिब्बों के निर्माण का और इसके इलेक्ट्रिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया का संपूर्ण भारतीयकरण करने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्री पीयूष गोयल जी ने किया है और मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी बात है। मैं भी ये ट्रेन अंदर से देख रहा था, वैसे तो मुझे जो नोट भेजी थी उसमें लिखा था, फिर भी मैंने पीयूष भाई को पूछकर कंफर्म किया कि भैया ये डब्बे सब भारत में बने हैं ना। तुमने कहा कि हमारे चेन्नई की रेलवे कोच की फैक्ट्री में ही बने हैं, संपूर्ण स्वदेशी उत्पाद। और मित्रों आनंद होता है इसके अंदर, जो यात्री यात्रा करेंगे उन सबको अनुभव आएगा कि भारत के अंदर एक बार थान ले तो क्या नहीं कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री ने जो मेक इन इंडिया की कल्पना हम सब लोगों के सामने रखी वो बहुत अच्छे ढंग से और बहुत कर्मठ का साथ रेलवे ने चरितार्थ की है। मैं रेलवे की पूरी टीम को पीयूष भाई के नेतृत्व में जो काम कर रही है मन से बधाई देना चाहता हूं। अभी अभी सबने जिक्र किया कि नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को हटाकर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। ये बात सही है, हर भारतीय के मन में कसक थी कि धारा 370 और 35 से जानी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने जी ने 5 अगस्त को उनके नेतृत्व में कैबिनेट ने फैसला किया, 5 और 6 अगस्त को राज्यसभा और लोकसभा ने मोदी जी के नेतृत्व में इसको पारित किया और आज धारा 370 इतिहास का हिस्सा बन गई है। कश्मीर धारा 370 और 35 से मुक्त होकर भारत के सभी प्रांतों की तरह आज भारत का भी हिस्सा बन गया। मगर मैं मानता हूं कि धारा 370 न केवल देश की एकता और अखंडता के लिए एक विघ्न था, धारा 370 कश्मीर के विकास के बीच में भी सबसे बड़ा रोड़ा था। और मुझे भरोसा है धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के अंदर आतंकवाद और आतंकवादियों के विचारधारा को संपूर्ण उन्मूलन करने में हमें सफलता मिलने वाली है। और इसके साथ ही धारा 370 के कारण कश्मीर के विकास में जो अवरोध थे, कई प्रकार के अवरोध थे, मैं इसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता, परंतु जो अवरोध थे वो सारे अवरोध हट चुके हैं और मुझे भरोसा है कि 10 साल के अंदर हमारा कश्मीर देश का सबसे विकसित राज्यों की सूची के अंदर आएगा। और आज ये रेलवे के माध्यम से इसकी शुरुआत होगी। मोदी जी ने आज जम्मू कश्मीर वासियों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है और जम्मू कश्मीर के रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये वंदे मातरम रेलगाड़ी बहुत बड़ा माध्यम बनने वाली है। मैं आज यहां पर कुछ समय के बाद ये रेलगाड़ी शुरू हो जाएगी, एक नया इतिहास बनने जा रहा है। मैं पीयूष भाई और उनकी टीम को मन से रेलवे के अंदर 5 साल के अंदर जो अविरत विकास हुआ है इसके लिए और विशेषकर रेलवे ने मेक इन इंडिया को जिस तरह से अपनाया है इसके लिए हृदय से बधाई और अभिनंदन देना चाहता हूं और रेलवे के सभी कर्मचारियों को भी साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों अभियान रेलवे चालू रखे, भारत के विकास के अंदर मोदी जी की कल्पना के अनुसार रेलवे अपना योगदान देता रहे और जिस तरह से बापू ने रेलवे के माध्यम से देश के आजादी के आंदोलन को चलाया था, नरेंद्र मोदी जी की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की जो कल्पना है उसको सार्थक करने के लिए भी रेलवे यातायात और माल ढुवाई दोनों क्षेत्रों में अपने योगदान को दिन प्रतिदिन बढ़ाता रहे, यही शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।
बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय महोदय आपके ऊर्जावान और